चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। लोकसभा चुनाव 2024 में महिलाएं बदल देंगी सरकार। मणिपुर हिंसा पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मणिपुर की हालत कश्मीर से भी ज्यादा खराब और मोदी सरकार बैठकर तमाशा देख रही। यूपी में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की हुई शुरुआत। 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। सीएम योगी ने लोगों से कम एक पौधा लगाने की अपील। अगले हफ्ते मणिपुर जाएंगे विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता। मोदी सरकार को पूरी तरह घेरने का है प्लान। अब सीबीएसई के स्कूलों में हिंदी अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं में होगी पढ़ाई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर। देश में पिछले 6 महीने में 87,000 भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता। सबसे ज्यादा लोग अमेरिका गए। कांग्रेस बोली मोदी राज की तानाशाही से परेशान थे सब। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। इम्फाल में महिलाओं ने किया रोड ब्लॉक। सेना और आरएएफ ने संभाला मोर्चा। केंद्र के अस्पतालों को जेनेरिक दवाएं लिखने के निर्देश। मोदी सरकार का मार्च 2024 तक 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य। दिल्ली के लिए आफत बन रही बाढ़। यमुना फिर खतरे के निशान से ऊपर। हाथीनी कुंड बैराज से छोड़ा गया 2.9 लाख क्यूसेक पानी। सरकार ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का दिया निर्देश। 70,000 से ज्यादा युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांटे नियुक्ति पत्र। बोले भारत को विकसित बनाना है अगले 25 साल अहम। 55 महीने बाद विराट कोहली ने विदेशी धरती पर लगाया शतक। सचिन तेंदुलकर को छोड़ा पीछे और सर डोन ब्रेडमैन की बराबरी। चीन को उसी के घर में घेरेगा भारत। इंडियन नेवी चीफ ने वियतनामी नौसेना को दिया आईएनएस कृपाण। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले महिलाओं को दिन दहाड़े लूट रहे बेकोक लुटेरे। यूपी में कानून व्यवस्था हुई ध्वस्त। पीएम मोदी कर्नाटक और राजस्थान का दौरा कर सकते हैं लेकिन मणिपुर का नहीं। सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। बोले अगर मणिपुर में कांग्रेस की सरकार होती तो वह क्या कहते। उफंती नदी में फंसी हरिद्वार जा रही बस। जेसीबी से रेस्क्यू कर यात्रियों को निकाला। देखिए वीडियो। सीएम एकनाथ शिंदे का अचानक दिल्ली दौरा। महाराष्ट्र की सियासत में मचा हड़कंप। अटकलों और अफवाहों का दौर हुआ तेज। अमरनाथ यात्रा पर रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। 20 दिन में 3 लाख का आंकड़ा हुआ पार। दंगाइयों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए। मणिपुर घटना पर बोले सपा सांसद एसटी हसन। सिंगल यूज प्लास्टिक को टाटा बाय बाय बोलेगा असम। 2 अक्टूबर से राज्य में 1 लीटर पानी की बोतल होगी बैन। सहारा इंडिया का रिफंड पोर्टल शुरू होते ही उमड़ पड़े धोखा खाए निवेशक। अब तक 5 लाख लोगों ने कराए रजिस्ट्रेशन। महिलाओं के खिलाफ अपराध में राजस्थान नंबर 1। राजेंद्र गुड्डा पर बीजेपी बोली सच बोलने की मिली बहुत बड़ी सजा। आवाज उठाने पर अपने मंत्री को कर दिया बर्खास्त। कश्मीर फाइल्स की तरह ही अब बीजेपी मणिपुर फाइल्स देखेगी। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने वाले वीडियो पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कसा तंज। सचिन और सीमा हैदर की बिगड़ी तबीयत। परिवार वालों ने कहा बात करने में भी हो रही परेशानी। डॉक्टर कर रहे जांच। एआई के खतरों से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे भारत और अमेरिका। यूएस दौरे पर पीएम मोदी ने किया था जिक्र। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जल्द बनेंगे मुख्यमंत्री। एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी ने किया बड़ा दावा। कर्नाटक में विपक्ष हुआ मजबूत। जेडीएस बीजेपी आए साथ। कुमार स्वामी ने मिलकर काम करने की घोषणा की। भारत में चीनी मोबाइल कंपनियों ने की 9,000 करोड़ की टैक्स चोरी। केंद्र सरकार ने वसूले 1,629 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने परिवार संग पीएम मोदी से की मुलाकात। बारिश सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दे या फिर जेल में डाल दे। अगर सच बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा। राजस्थान सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त होने पर बोली राजेंद्र गुड्डा। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिर में की गई ताबड़तोड़। आरोपी गिरफ्तार। स्थिति तनावपूर्ण। एआई टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जताई चिंता। कहा आजकल लोग इसकी मदद से धमाका और ट्रोल कर रहे। 28 जुलाई से पंजाब के 12,500 कच्चे शिक्षक हो जाएंगे पक्के। मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। राजस्थान में पेपर लीक और नकल के खिलाफ बने कानून में हुआ संशोधन। अब दोषी पाए जाने पर होगी उम्र कैद और संपत्ति भी हो जाएगी कुर्क। उत्तराखंड में फिर फटा बादल। पिथौरागढ़ में बही 150 मीटर सड़क। उज्जैन की महाकाल मंदिर में भी घुसा पानी। पीएम
मोदी के मिशन अमृत सरोवर को सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक साल में किया पूरा, अब गुजरात में खत्म होगी पानी की किल्लत। एक बार फिर सुर्खियों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग, मुंबई के एक कारोबारी को किया धमकी भरा कॉल, मांगे 20 लाख रुपए। 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुए गिप्पी ग्रेवाल और सोनम बाजवा की पंजाबी फिल्म केरी ऑन जट्टा 3 बॉक्स ऑफिस पर मचा रही धमाल। हमारी नई पीढ़ी को मंदिरों के द्वारा संस्कार देना होगा, यूपी के वाराणसी में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। मुझे सीएम बनाना भी आता है और गद्दी से उतारना भी, कांग्रेस एमएलसी और कद्दावर नेता बीके हरि प्रसाद ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को दी चुनौती। पश्चिम बंगाल में मनरेगा के तर्ज पर खेला होबे योजना की होगी शुरुआत, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की बड़ी घोषणा। राजस्थान से लेकर बिहार तक महिलाओं के साथ हो रही हेमानियत, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष पर किया पलटवार। 23 सेलिब्रिटी को नागरिकता मिली, फिर मुझे क्यों नहीं, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर बोली में नार्को डीएनए टेस्ट को तैयार। कर्नाटक सरकार ने नंदिनी दूध का दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए, 1 अगस्त से प्रभावी होंगी नई दरें। हमारे घरों को घेरा तो संसद में नहीं घुस पाओगे, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी और अभिषेक बनर्जी को दी खुली चुनौती। यूपीए ने बैंकिंग सेक्टर को घोटाले से कर दिया था बर्बाद, गांधी परिवार पर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा हमने सुधारा। दिल्ली में 2 बड़ी मस्जिदों को उत्तर रेलवे ने हटाने का दिया नोटिस, वक्फ बोर्ड ने कहा 1945 का कानूनी एग्रीमेंट है, कोई अतिक्रमण नहीं। राजस्थान में हर साल 125 दिन रोजगार की गारंटी, पेंशन की 15% बढ़ेगी, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में हुआ पारित। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेशी मुद्रा की सबसे बड़ी बरामदगी, कस्टम विभाग ने 10 करोड़ से ज्यादा के साथ 3 ताजिकिस्तानी नागरिक किए गिरफ्तार। यूपी में बड़े स्तर पर न्यायिक अधिकारियों के हुए तबादले, हाईकोर्ट ने 24 डीजी और एडीजे का किया ट्रांसफर। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मणिपुर में शांति कायम करने का केंद्र सरकार को दिया सुझाव, कहा एकमात्र रास्ता सीएम को बर्खास्त करना और राष्ट्रपति शासन लगाना। आईओएस यूजर्स और व्हाट्सएप पर एक साथ 15 लोगों को कर सकते हैं ग्रुप कॉल, कंपनी ने दोगुनी की लिमिट। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश ने मचाया कोहराम, अब तक 72 लोगों की मौत, 9 लापता और 90 से ज्यादा घायल। आम आदमी पार्टी से पंजाब के लोग पीड़ित हैं, प्रताप सिंह बाजवा बोले 2024 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस बड़े अंतर से वापस आएगी, पार्टी की मेयर चुनी गई। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के समर्थक मंत्री तुलसी सिलावट अपने ही विधानसभा के किसानों को नहीं दिलवा पा रहे न्याय, तक हार कर बीजेपी आलाकमान को लिखी चिट्ठी। डिप्टी मेयर बने हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा विधानसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव हुआ फेल, सीएम भूपेश बघेल ने दिए विपक्ष के सवालों के जवाब। अहमदिया मुसलमानों को काफिर नहीं कह सकते, केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड को दिया सख्त संदेश। केरल हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने आशीष देसाई, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। पार्टी की मेयर चुनी गई, बता दें बीजेपी प्रत्याशी शिखा राय ने अपना नाम वापस ले लिया।